ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਉਧਰ ਸਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਕੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੋ ਸੀਐਨਐਨ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਯੇ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਹੱਥ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਟਰਕੀ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਆਪਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸੋਮਾਲੀਆ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕੀ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਕੋ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਐਮ ਆਈ ਯੂ ਆਪਨੇ ਖੁਦ ਖਾਇਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਹਮੇ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਥੋੜਾ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਮ ਕਰਾਓ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਉਨਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਭੀ ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਇਹ ਅਭੀ ਇਸਕੋ ਟਰਕੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਮੇ ਡਾਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਉਸ ਪੇ ਪੜ੍ਹੇ आप आईएमएफ की मिनतें तरले करते हैं वर्ल्ड बैंक की मिनतें करते हैं लेकिन वो एक भी डॉलर पाकिस्तान नहीं जाता और उसके बाद ये है कि हमारे कुरैशी साहब ने वहां स्टेटमेंट दी कि मैं इनको बताने आया हूं कि दुनिया क्या चाहती है भाई आपको पाकिस्तान में तो पता नहीं है कि क्या होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया के इस वीडियो के अंदर साजिद तदार गुस्सा हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि किस तरीके से वो मुल्क को हैंडल कर रहे हैं और अमित शाह की धमकी के बावजूद भी पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इंडिया को पलट के जवाब दे सके और उल्टा अमेरिका के अब पैर पड़ रहे हैं कि भारत के साथ हमारी सुलह करा दो और साथ ही साथ मोदी जी के दिमाग के कायल हो गया साजिद तदार। वो कह रहे हैं किस तरीके से है मोदी जी ने यूए की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में करवा दी जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑटोमेटिकली दबाव में आ जाएगा। इससे पता चल जाता है कि इंडियंस का दिमाग कितना तेज है और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि वॉशिंगटन में हमारी तुलना सोमालिया से करी जाती है, ये औकात बच गई है हमारी। और इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम टर्की को भी एफएटीएफ में ले डूबे। आइए इस वीडियो को देखते हैं। सीएनएन का एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने ये डिजायर शो किया, पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अमेरिका के साथ एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूज करना चाहते हैं जिसमें वो पाकिस्तान मदद करेगा काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में और एयर स्पेस देगा, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज किए जाएं। चीमा साहब, मैं एक चीज में बिल्कुल कंफ्यूज और नर्वस हूँ। कोई समझ नहीं आती कि जब पाकिस्तान की बात करें तो कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। सोचें बंद हो जाती हैं, दिमाग मफलूज हो जाते हैं। जो आज की करंट एडमिनिस्ट्रेशन या करंट आपके जो हालात हैं इस वक्त, आपके आपके फॉरेन रिलेशंस, जिस तरह आपने एयर स्पेस की बात की, जिस तरह आपके इकॉनमी के हालात, आपकी कमिटमेंट लोगों के लिए, आपके मैंडेट, आपकी मेरा मकसद है बिल्कुल इस वक्त सोच से बाहर है। आपने तो सिर्फ ये बात की एयर स्पेस की, मैं इससे पहले ही कंफ्यूज नर्वस था कि इंटरनल हालात इनके पाकिस्तान के अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, कुरैशी साहब और फैज हमीद साहब काबुल में बैठे हैं। जब आपके इंटरनल हालात नहीं है, अंदर रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वहां जाने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद यह है कि हमारे कुरैशी साहब ने वहां स्टेटमेंट दी कि मैं इनको बताने आया हूं कि दुनिया क्या चाहती है, भाई आपको पाकिस्तान में तो पता नहीं है कि क्या होने वाला है। आपकी गवर्नमेंट 7 दिन है, 7 घंटे है, 7 महीने है, आपको कोई अंदाजा नहीं है। आपकी एयर स्पेस अमेरिका यूज कर रहा है, आप अपनी आवाम को बता नहीं रहे हैं। आप एमआईयू आपने खुद ख्वाहिश जाहिर की है कि हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना चाहते हैं, हमें इंडिया से हमारी जो थोड़ा हमारा प्रेशर कम कराओ। आवाम इस वक्त आपकी महंगाई और इन चीजों में इस बुरे तरीके से बेचारी जख्मी हो चुकी है, और लेकिन उसके बाद कि आप उनके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं रोजाना। आप आईएमएफ की मिनतें तरले करते हैं, वर्ल्ड बैंक की मिनतें करते हैं, लेकिन वो एक भी डॉलर पाकिस्तान नहीं जाता। ये एफएटीएफ ने पाकिस्तान को और टर्की को भी ग्रे लिस्ट में ले आए हैं। वो पाकिस्तान का तो चलो ठीक है, उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा, उन्होंने कहा आपने सारा कुछ करी है, लेकिन वो जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं और जो यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है उनको इंप्लीमेंट करें। ये एक तरफ हमसे एयर स्पेस मांगते हैं, अड्डे मांगते हैं, दूसरी तरफ हमारे ऊपर तलवार भी रखते हैं, हमें आईएमएफ से वो कतरा कतरा पैसे देते हैं। ये कर क्या रहे हैं, इसी तरह ही मतलब चलता रहेगा ये। चीमा साहब, उस पे फैटफ के बारे में मैं बड़ा डिटेल से हर वक्त पढ़ता भी रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ। फैटफ वाले बिल्कुल उस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह एक करप्ट कंट्री को, डबल स्टैंडर्ड वाले कंट्री को जिस तरह ट्रीट करना चाहिए उस तरह वो कर रहे हैं। और इंडिया का उनको आशीर्वाद हासिल है, इंडिया की सपोर्ट हासिल है,
अभी रिसेंट जो ये अभी इसको टर्की वाला और पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला गया है, उसको मैं बड़ी डिटेल से बड़े मैंने आर्टिकल उस पर पढ़े हैं, क्लियर नजर आ रहा है उसको कि इंडिया की सपोर्ट हासिल है, इंडिया की वो जेब में है। और दूसरा ये कि आपका बिहेवियर डबल स्टैंडर्ड करप्शन, आपका क्या ख्याल है कि उनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं? आप डॉलर चाहते हैं, डॉलर के लिए आप बिल्कुल आपके हालात बहुत खराब है। आप चाइना पीछे हट गया, पहले चाइना के नारे लगाते थे, चाइना पीछे हटा है, आप IMF के दरवाजे पे अपने आप माफिया मांग रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, और उसके बाद अब वो उनकी मर्जी है जो मर्जी करें, बल्कि आपकी वजह से, मैं कहता हूं आपकी वजह से टर्की भी नीचे आ गए। मैं यहां पे IMF के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आपको कि देखने वालों को कि IMF क्या है। IMF बनाया गया है G7 कंट्रीज में बनाया गया है, एक प्रेशर ग्रुप है। और मैं ये यहां पे ये दो चार चीजें इंफॉर्मेशन के लिहाज से ऐड करना चाहता हूं कि तीन ममालिक नए ऐड किए गए हैं, जिसमें टर्की है, जॉर्डन है और माली है। ये तीन कंट्री आए हैं। तो आपके हालात माली जैसे हैं, आपके हाल आपको अमेरिका में वाशिंगटन में बैठ के कंपेयर किया जाता है तो सोमालिया के साथ कंपेयर किया जाता है, वाकई आपके हालात सोमालिया जैसे। अब आप कहते हैं हमें ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, तो उनकी स्टेटमेंट, डॉक्टर मार्कस जो उसके हेड हैं, उनकी स्टेटमेंट ये है कि शुक्र करो हमने आपको ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहे। आप कहते हैं ग्रे लिस्ट से निकाले, उनकी स्टेटमेंट पढ़े, उनके उन्होंने जो अपने इस सारे मीटिंग के बाद कहा है, उन्होंने कहा कि अभी हमने आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। आप कहते हैं ग्रे लिस्ट से निकाले, वो आपको ब्लैक लिस्ट की तरफ फेंकना घसीट रहे हैं, वो उधर ले जाना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं। अब और एक बात है, किसी ने आज तक नहीं बताया आपको ग्रे इसमें फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहने की सजा क्या मिलती है। आपको एक तो खैरात मांगने जाते हैं तो खैरात नहीं मिलती, आपका सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरा, आपको $30 मिलियन पर ईयर आपका खर्चा एडिशनल है। अब टर्की को इस चीज का भी इबरत का निशान बनाया गया है कि सीरिया में वो कोई लोगों को फंड कर रहे थे, ग्रुपों को, वो फलस्तीन को फंड कर रहे थे, रिसेंट उन्होंने आजरबाईजान की हेल्प की है। और दूसरा बात यह है कि आपके बाइलैटरल उनके साथ और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट थे, और उनसे आप ड्रोन मांग रहे थे टर्की से, वो रोकना था सिलसिला, उन्होंने उनको भी उन्होंने रेड फ्लैग पे लाना था। वो बेचारे जो उनकी टूटी फूटी इन्वेस्टमेंट जा रही थी टर्की के अंदर, वो भी रुक जाएगी। मेरा मकसद है कि अब हालात ये है कि आप जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो पत्थर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आपकी करप्शन, आपकी डबल स्टैंडर्ड, जो आप बीजते हैं वही काटते हैं। अगर आप गलत चीजें बीजेंगे तो गलत रिजल्ट ही निकलेंगे ना। आप गंदम लगा के वहां से आम के पेड़ तो नहीं ना काट सकते, वो जो आप बीजते हैं वही है। तो मेरा मकसद इस वक्त हमारा जो ट्रेंड फैटअप में है, इस वक्त जोर है उनका, देखे ना उनके आपके ऊपर प्रेशर क्या है। वो हाफिज सईद साहब की सपोर्ट में आपको अक्यूज करते हैं, वो मसूद अजहर साहब की सपोर्ट में अक्यूज आपको करते हैं, लेकिन ये सब बहाने हैं। लेकिन आप जो मर्जी कर लें, आपके ऊपर फैटअप का प्रेशर भी रहेगा। मिनिस्टर जो है, मैं हैरान हूं, और काम ही कोई नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, चाहे सामने जर्नलिस्ट बैठे कोई ना हो, और उसमें धुआंदार तकरीरें। यकीन करें, मुझे अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका हाल किसी ने भेजा है, उन्होंने कहा वहां पर जर्नलिस्ट तो थे ही नहीं। वो तो पता नहीं अपने मुलाजिम बुला के सामने बिठा देते हैं, उनके सामने वो दो दो घंटे का भाषण देते हैं। और यार, पर अमित शाह का भी तो जवाब दे, कहता के अंदर घुस के मारूंगा, उधर सकत ही नहीं आपकी जवाब देने की। बल्कि मैं हैरान हूं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो CNN के आर्टिकल के हिसाब से, ये माफिया मांगने वाली बात है ना, कि अमेरिका को कहना इंडिया ना सुलह करा दो। आप इतने घबरा चुके हैं, आप इतने बौखला चुके हैं, आपके ये हालात है, इस तरह कंट्री चलते हैं। मेरा, मैं जितना भी इस पे अफसोस किया जाए कम है चीमा। मेरे लिए सबसे ज्यादा तश्वीश ये आई थी जो नया क्वाड बना है चीमा साहब, नए क्वाड में UAE साथ गया, इसराइल साथ गया, इंडिया और अमेरिका के। UAE ने क्या किया है, जो इस मंडे वाले दिन उन्होंने वहां पे डील साइन की है टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन कश्मीर। मैं दाद देता हूं उनकी स्मार्टनेस की, पूछे किस तरह। और भाई, दुबई भी तो सारा इंडिया वाले चला रहे हैं, तो वो यहां आके किस तरह बना लेंगे। लेकिन नाम ऊपर दुबई का होगा, बंदे नीचे काम करने वाले सारे इंडियन होंगे। उन्होंने इतनी बड़ी गेम खेली है जिसकी हद को नहीं। लेकिन ये है कि हमारा अफसोस है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो क्या बनाना चाहते हैं वहां पे, वो लॉजिस्टिक सेंटर बनाएंगे वहां पे, वो टावर लगा रहे हैं बड़े बड़े वहां पे कश्मीर में, आपको वॉच करने के लिए, आपकी मूवमेंट को वॉच करने के लिए। उसके बाद वहां पे मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं कश्मीर में, वहां हॉस्पिटल्स नए बना रहे हैं,
और दुबई का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, नीचे सारी वर्क फोर्स सारी इंडिया से जाएगी। और इस आपके ना मीडिया ने उसको देखना पसंद किया है, गवर्नमेंट तो हमारी खैर सकत ही नहीं रखती ना कि इन चीजों के बारे में सोच सके या उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे सके, उनको काउंटर कर सके।